पलटू चाचा जाने पलट जाता है खलार जेडी में खन चला जाता है भाजपा नेते है। बताइए किसका सपोर्टर है? लालू, लालू यादव के। हाँ काहे लालू यादव के ये भाई बहुत ना मनोरमा देवी के साकलो सूरत है। अच्छा है चोर चिया जीत जाएगा ऐसा ही आसान मैंने समझ लिए हैं। टेन जीतेगा। अच्छा चलो टेन जीतेगा। हाँ लालू यादव जिंदाबाद। नमस्कार मैं हूँ कमल नैन, आप देखना शुरू कर चुके दोस्तों फ्री बात। अभी हमारी मौजूदगी है गया के धनसीर पंचायत में। यहाँ पे काफी ज्यादा युवाओं लोग हैं यहाँ पे, और आपको पता है कि बेलागंज में उपचुनाव होने वाला। यहाँ से जो विधायक थे सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, जो 35 साल से विधायक थे और अभी सांसद का वो चुनाव लड़े हैं, तो जहानाबाद से पार्लियामेंट है जो पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे उपचुनाव होने वाला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा युवा लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इन लोगों से जानेंगे। और यहाँ पे नवम्बर में चुनाव होने वाला है, एक तरफ है बाहुबली, एक तरफ है बहुजन नायक, किनके साथ में जनता खड़ी है इस बार। ठीक है, इस बार बोला जा रहा है कि ये उपचुनाव नहीं, ये सेमीफाइनल है। ठीक है, सेमीफाइनल ही तय करेगा फाइनल में कौन जाएगा। तो लोगों से जानते हैं कि इस बार क्या है राय। जी आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? गया यादव। गया यादव। हाँ। वाह, तो बताइए किसका सपोर्टर है? लालू, लालू यादव के। हाँ काहे लालू यादव के ये भाई बहुत है ना, वोट लालू यादव के देना। हाँ नाम टंटेन है, लालटेन पर। हाँ काहे लालटेन, भाजपा देने दे दीजिए कमल पर। कमल तो नहीं देंगे, बोलिए तो आप लोग मुफ्त वोटर आरजेडी। हाँ देते लालटेन जलेगा। हाँ जेल। हाँ टंटेन जीतेगा। अच्छा चल लालटेन जीतेगा। हाँ हम है लालू यादव जिंदाबाद। पलटू चाचा जाने पलट जाता है खलार जेडी में खन चला जाता है भाजपा नेते है। बोलता हम सबके भला कर रहे हैं, कपार भला कर रहा है। अब ना हम दूचा मारेंगे नीतीश बाद। बोल जब तक हम रहेंगे बिहार में हमें। अरे बिहार में माँ के भीतर जा रहा है, अभी सीधे जा रहा हूँ भीतरे जाएगा एकदम अभी जाएगा जी। बोल रहा है चाहे हमारे 20 तेल प्यावन लाठी अभी आवेगा यहाँ पर ही। तेल प्यावन लाठी। हाँ बोल रहा है ना कि चाहे 10 सीट आवे चाहे 5 सीट हम ही मुख्यमंत्री बने। अरे बीजेपी में गया से जैसे सीट बो जा रहा है। हाँ। न पर अकेले बाहुबल दिखा के बता देने जरी सुन, हमारा अकेले आवे चुनाव में, अकेले सब आवे जरी सुन, बहुमत में नहीं आवे जैसे केवरो साथी हो करके अकेले आवे तो कई गो सीट उसको आ जाता है। बोलता आरजेडी से अकेले लड़ेंगे तो आरजेडी से आगे वाला में कई सीट उलाया। लालू जी के दिन था तो मुख्यमंत्री बन गया तो नहीं बनता। नहीं बनता तो बोलते हैं कि नाली गली सड़क बिजली ना बनाया कुछ ना, खाली जीविका दीदी का कर रहा है और क्या कर रहा है। बिहार में कितना बिहार पुलिस बना दिया कोयरी के और अंजनत के बनाया है, बामा रजपूत के नहीं बनाया है। क्या बना दिया लालू जी बना दिया। तब बोलते हैं 5 लाख नौकरी दिए हैं। कहने दिया केकरा दिया कोई रिया ने के ना अंजाद के दे दिया बड़ी लोहर के दे दिया। तेजस्वी जी के बारे में क्या सोचते हैं? तेजस्वी जी जीत रहे हैं तो बहुत ज्यादा भोर से जीत रहे हैं 2025 में। हाँ आराम से था। अच्छा। अपने आने भाई। अरे भाई हम समझ रहे हैं भाई, तेजस्वी जी 2025 में उनको हम सब दिन लालटेन ने वोट दिए हैं देंगे अब जीतेंगे भी। बेलागंज में क्या सोच रहे हैं? सुरेंद्र यादव के लड़का जीतेंगे, विश्वनाथ यादव जीत जाएंगे एकदम प्योर। तो बोल रहे हैं कि 35 साल से जो किला गड़ा अबरी उखाड़ के फेंक देंगे। जो कह रहा है उखाड़ के बीच देगा मनोरमा देवी कर रहा। मनोरमा देवी के साकलो सूरत है। अच्छा चोर चिया जाएगा ऐसा ही आसान मैंने समझ लिए हैं। बोल तो रहा है कि अरे बोले से कहा हो जाएगा, बोलिए ना बोले से कहा हो जाएगा, कहा हो जाएगा बोले से कुछ नहीं होगा। वो तो आएगा वहां मैदान में ना, हो सके आप लोग पलट जाइए पैसा वो दे पलट जाएंगे पैसा पर 10,000 दे थुने। अरे ये गांव जो है ना से पैसा पर बिके वाला नहीं है, जरीको नहीं लेंगे। अरे सब दिन देखेंगे सुरेंद्र यादव वहाँ देखे होंगे, मैंने वोट पड़ता है एक्चुअल वोट जाता है गुलनी से एक्चुअल वोट अब जाएगा भी। तो लोग बोलते हैं कि यादव लोग ना पूरा बिहार के आरजेडी के गुलाम हो गए इसीलिए वोट देते रहते। वैसा कोई बात नहीं है, वैसा कोई बात विचारधारा पे वोट करते। हाँ तो इस बार बेलागंज से विश्वनाथ यादव निकल रहे हैं। सब एरा में दो मत की बात नहीं। क्या नाम बताए?
बिगन मिस्त्री, बिगन मिस्त्री जी थे जो बहुत ही बेबाक तरीका से अपना बात को रखे हैं। और अभी हम बेलागंज के धनसीर पंचायत में थे और यहाँ से जनता के मैं ओपिनियन को लेने का काम किया हूँ और क्या सोचते हैं यहाँ के बारे में, विश्वनाथ जी के बारे में, और जो इनके विरोधी लड़ रहे हैं, प्रतिद्वंदी जो है मनोरमा देवी का नाम चल रहा है, बाकी ये दोनों कैंडिडेट के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय है सो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।